हेलो एवरीवन, दिस शमशाद हियर। टुडे वी आर गोइंग टू रीड के मैप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग सब जानते हैं के मैप का कितना ज्यादा यूज है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने में। लॉजिकल एक्सप्रेशन का मिनिमाइजेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि आईसी डिजाइन में जब हम लोग कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन देखते हैं जिसको हम लोगों को रियलाइज करना होता है, तो अगर वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है कि लॉजिक गेट का खर्च ज्यादा हो जाता है, वो कॉस्टली ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि हर चीज जो भी आईसी डिजाइन आईसी बनकर मुझे मिले वो सस्ता हो। तो उसके लिए क्या है कि हम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और उसको इतना छोटा कर देते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए और मार्केट में वो आ जाए तो क्या हो, उसको लोग आराम से खरीद सकें, इतने कम पैसे में मिल सके वो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग के मैप पढ़ने जा रहे हैं। के मैप को फुल फॉर्म क्या होता है? कार्नोफ मैप, वी नो दैट। ओके, सबको हम लोग जानते हैं कार्नोफ मैप कहते हैं इसको। के मैप का यूज क्यों किया जाता है ये बात करते हैं। के मैप क्या है? तो ग्राफिकल मेथड है। किसका ग्राफिकल मेथड है? टू सिंप्लीफाई या मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन। कह रहा है कोई बुलियन एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर दिया रहता है तो उसको मिनिमाइज करना है। अभी मैंने कहा मिनिमाइज करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए जो ग्राफिकल मेथड यूज किया जाता है उस ग्राफिकल मेथड का नाम है के मैप। ओके, तो मिनिमाइज करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन, छोटा करेंगे तभी तो उसका नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स उसमें कम लगेगा, तभी तो आईसी डिजाइन में जो लॉजिक गेट कम लगेगा तो खर्च कम हो जाएगा। ठीक है, उसमें पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, वो वायरिंग डिले कम हो जाएगा, सारा चीज ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, आगे आते हैं। तो देखिए के मैप जो होता है वो मेनली डिपेंड करता है कि कितने वेरिएबल का के मैप हम लोग बना रहे हैं। तो अगर एन वेरिएबल का के मैप है तो वो कितना सेल होगा उसमें? टू टू द पावर एन सेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो वेरिएबल एन बराबर टू है, यानी टू वेरिएबल का अगर हम लोग के मैप बना रहे हैं तो वेरिएबल कौन कौन होगा? ए बी, दो वेरिएबल मान लेते ए बी, तो कितना सेल होगा? सेल का मतलब उसमें कितना कॉलम होगा, कितना बॉक्स होगा इस तरह का, तो वो कितना होगा? टू टू द पावर एन, यानी दो वेरिएबल का टू टू द पावर टू, यानी फोर होगा। देखिए यहाँ फोर वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ये एक फोर टू वेरिएबल का के मैप है जिसमें कितना सेल है टोटल। सेल का मतलब ये बॉक्स, ठीक है, ये कितना है? चार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होता है? टू टू द पावर एन होता है, इसीलिए चार। अगर तीन वेरिएबल का हम लोग उसी तरह से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? टू टू द पावर थ्री, एट सेल। देखिए एट है। ओके, तीन वेरिएबल कौन कौन होगा? ए बी सी। ओके, अगर हम लोग चार वेरिएबल का बात करेंगे तो वेरिएबल कौन कौन होगा? ए बी सी डी, और सेल कितना होगा? टू टू द पावर फोर, सिक्सटीन। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से सेल बता सकते हैं। अगर पांच वेरिएबल का हो तो कितना होगा? टू टू द पावर फाइव। ओके, कितना हो जाएगा? ए बी सी डी ई हो जाएगा ये वेरिएबल, और ये कितना हो जाएगा? टू टू द पावर फाइव, मतलब बत्तीस। बत्तीस कैसा बनेगा? सोलह, ये बनेगा सोलह, एक और इसी के बगल में। ठीक है, तो ये कहां तक होता है? छह वेरिएबल तक होता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा आप लोग नहीं डिजाइन करेंगे। मतलब मैक्सिमम ऐसे तो आप लोगों को बीटेक तक, अप टू बीटेक चार ही वेरिएबल का पढ़ना है, लेकिन उसके आगे अगर आईसी डिजाइन के कंपनी में जाते हैं जॉब करने के लिए तो वहां पे आपको और भी ज्यादा वेरिएबल का के मैप मिल सकता है। लेकिन वो क्या है, सिंप्लीफाई आपको मैनुअली नहीं करना होता, बल्कि उसके लिए पहले से आपका प्रोटोकॉल डिजाइन है और पहले से बहुत सारा टूल है जो आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके दे देता है। तो अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन को मैनुअली मिनिमाइज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को चार वेरिएबल तक का के मैप पढ़ना है, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल एंड चार वेरिएबल। तो सबसे पहले दो वेरिएबल के मैप को समझते हैं क्या होगा। दो वेरिएबल के मैप में कितना सेल होगा? तो मैंने बताया कि एक दो तीन चार सेल होगा। ओके, कौन कौन वेरिएबल होगा? ए बी, दो वेरिएबल, तो ये बीच में निशान एक देते हैं और नीचे में लिखे ए, ऊपर में बी। ओके, क्योंकि दो वेरिएबल इसलिए एक नीचे एक ऊपर। अगर तीन वेरिएबल होगा तो क्या हो जाएगा? एक नीचे और ये क्या है, देखिए तो ये वर्टिकल में दो ही है लेकिन हॉरिजॉन्टल में चार है, तो दो वेरिएबल ऊपर रहेगा एक वेरिएबल नीचे रहेगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि दो वेरिएबल नीचे कर दिया एक वेरिएबल ऊपर कर दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नीचे में क्या है, वर्टिकल में क्या है, दो ही देख रहे हैं, दो ही बॉक्स इधर दिखाई दे रहा है, इधर चार है, तो ज्यादा वेरिएबल ऊपर में रहेगा, नीचे में एक ऊपर में दो। ओके, यहां क्या है, यहां तो इक्वल है, चार इधर भी चार इधर भी, तो ए बी नीचे ए बी सी डी ऊपर। ओके, तो ये बेसिक चीज मैंने बताया कि कितने वेरिएबल को वेरिएबल कैसे रखना है। तो अब देखिए, अब यहां पे जो देख रहे हैं ये नंबरिंग सिस्टम, बॉक्स के ऊपर और बॉक्स के अंदर नंबरिंग, दो तरह का नंबरिंग है। जो बॉक्स के अंदर नंबरिंग किया हुआ उसको कहते हैं मीन टर्म का नंबरिंग, मीन टर्म या मैक्स टर्म यहां पे पढ़ा जाता है। हम लोग इससे पहले मीन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में पढ़ा है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया मीन टर्म मैक्स टर्म के ऊपर और सॉप पॉज के ऊपर, तो के मैप पढ़ने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, उसके बाद यहाँ। तो ये मीन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, मीन टर्म जीरो, मीन टर्म फर्स्ट, मीन टर्म सेकंड, थर्ड, अगर मैक्स है तो जीरो मैक्स टर्म, वन मैक्स टर्म, टू थ्री, ये ठीक है। इस तरह से यहां भी मीन टर्म मैक्स टर्म मैंने यहां इंडिकेट कर दिया, स्मॉल एम जीरो, स्मॉल एम वन, ये का मतलब हो गया मीन टर्म ही इंडिकेट कर रहा है, जीरो मीन टर्म, फर्स्ट मीन टर्म, सेकंड मीन टर्म, थर्ड, इस वन चलता रहता है, ठीक है। मैक्स रहेगा तो कैपिटल एम रहेगा यहाँ पे। ओके, तो अब आगे आते हैं हम लोग, यहाँ फिर से बारी बारी से, यहाँ
इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर जो नंबरिंग है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है जनरली ग्रे कोड को। ग्रे कोड का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है इससे पहले, आप लोग ग्रे कोड को भी पढ़ के उससे वीडियो से समझ लें, उसके बाद यहाँ देखें। 01 सिंपली जनरल है, 01 बाइनरी में होता है, 01 यहाँ भी 01 दे दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चार वेरिएबल वाले में यहाँ ये ग्रे कोड पे बेस्ड है, जैसे 00 उसके बाद 01 आएगा, 11 आएगा, 10 आएगा, कैसे? देखिए मैंने यहाँ पे ग्रे कोड समझा दिया इसके लिए, कि मैंने ये उसमें उस वीडियो में समझाया, रिफ्लेक्टेड कोड भी इसको कहते हैं। क्या करते हैं, पहले 01 रखते हैं, फिर एक मिरर लगा देते हैं, ओके मिरर पे इसका इमेज देखते हैं 01 का, तो यहाँ आएगा 10 आ जाएगा इमेज। अब मिरर के ऊपर में 00 आगे लगा देते हैं और मिरर के नीचे में 11 लगा देते हैं, तो पहला ग्रे कोड क्या होगा, 00 दो बिट का, दूसरा 01, तीसरा 11, चौथा 10, इसी को लिख दिया गया यहाँ पे, 00 01 11 10, सेम एज इट इज, ओके सेम यहाँ पे भी यही चीज होगा। देखिए इधर भी चार वेरिएबल में 00 01 11 10, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 00 01 11 10, जहां दो वेरिएबल दिखाई देगा, जैसे ये सीडी दो वेरिएबल है, यहाँ बीसी दो वेरिएबल है, यहाँ ए बी दो वेरिएबल है, तो ऐसे ही ग्रे कोड लिखाएगा, दो वेरिएबल का ग्रे कोड। और सिंपल अगर एक वेरिएबल दिखाई देगा, जैसे ए यहाँ पे है, तो ये एक के लिए क्या होगा, एक ही सिंपली 01, बी के लिए सिंपली 01, ओके तो एक वाले वेरिएबल में दिक्कत नहीं है, दो वेरिएबल जहां होगा तो उसका कैसे कोडिंग करेंगे, तो कोडिंग करेंगे ग्रे कोड के हिसाब से और उसी के हिसाब से बॉक्स के ऊपर लिखेंगे। तो ये लिखा गया, ओके तो देखिए ये वर्टिकल वाले में ए है, तो ये जीरो है, तो ये ए बार लिखाएगा, क्योंकि हम सॉप फॉर्म में पहले हम पढ़ेंगे सारे के मैप को सॉप फॉर्म में पढ़ेंगे, ओके देन आफ्टर हम पॉस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो पहले सॉप फॉर्म में पढ़ेंगे मीन टर्म के रूप में और उसके बाद हम इसको पॉस में कन्वर्ट करेंगे मैक्स के रूप में, तो पहले हम मीन वाला सारा कंसीडर करेंगे, सॉप एंड मीन। तो मीन में क्या होता है कि जीरो जो होता है वो बार के रूप में रिप्रेजेंट होता है और वन क्या होता है बिना बार के। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, जीरो है तो ए बार हो जाएगा, वन है तो ए हो जाएगा, बी के लिए क्या हो जाएगा, जीरो है तो बी बार, वन है तो बी हो जाएगा, ओके तो अब हम लोग नीचे आते हैं बारी बारी से यहां बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, ये सिंपली क्या है, बीसी है तो बीसी के लिए क्या लिखाएगा, बी बार सी बार, ओके जीरो जीरो है तो बी बार सी बार, यहां 01 है तो क्या लिखा है, जीरो के लिए बी बार और 1 के लिए सी। सिमिलरली 11 है तो क्या लिखाएगा, 1 के लिए बी फिर 1 के लिए सी, ठीक है। यहां 1 है तो बी, 0 है तो सी बार, ये बी सी में से ही लिखना है क्योंकि यही दो वेरिएबल इधर लिखाएगा टोटल। यहां सिंगल वेरिएबल है तो 01 तो दिखाई दे रहा है, 01 के लिए ए बार ए। इसमें समझने में आई होप मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम बताएंगे ये कैसे बढ़ाता है, ओके पहले यहां भी देख लें वही चीज, सेम चीज यहां भी है, 00 01 11 10, सेम इधर भी है दिखाई दे रहा है। तो 00 के लिए क्या, वैसे सी बार डी बार, क्योंकि सी डी वेरिएबल इधर भरना है, इधर सी डी भरना है, इधर ए भी भरना है, तो सी डी के लिए सी बार डी सी डी सी डी बार, देख रहे हैं जिसके हिसाब से जहां वन है वहां बिना कॉम्प्लीमेंट और जहां जीरो है वहां कॉम्प्लीमेंट वाला, यहां भी वैसे ही भर दिया, ये कोई दिक्कत नहीं। इसको समझने में एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हाँ कैसे भर रहे हैं, मीन टर्म को यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब बॉक्स के अंदर बात करते हैं, ओके वेरिएबल जो भरेंगे हमेशा लेफ्ट से राइट भरेंगे, सॉरी मीन टर्म जो भरेंगे वो हमेशा लेफ्ट से राइट भरेंगे। जीरो यहां शुरू किया, 01, ओके ये नहीं है कि 01 2 3 लाइन से भर दे, नहीं 01 उसके बाद 2 3 ऐसे आएंगे बैक, 01 2 3, ओके 4 5 6 7, एक बार एक स्टेप हम फॉरवर्ड होंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, राइट साइड से जाने के बाद एक स्टेप बैकवर्ड होंगे, हमेशा याद रखिएगा 01 2 3 4 5 6 7। यहां देखिए नीचे 01 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहां 8 9 होना चाहिए, नहीं बल्कि यहां जैसे ऊपर में गया वैसे नीचे में आ जाएंगे, शिफ्ट नीचे, तो क्या लिखेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके मीन टर्म इस फॉर्म में बढ़ाएगा, हमेशा याद रखिएगा इस तरह से, जैसे ऊपर गए वैसे ही नीचे जाएगा लेकिन उल्टा, पहले ऊपर से यहां शुरू किया तो ये नीचे से यहां शुरू होगा, ठीक है, यहां से यहां गए फिर यहां से यहां गए, यहां से यहां गए यहां से यहां उसे नीचे से गए यहां से यहां यहां से यहां, सो ऑन ऐसे चलेंगे। ये मीन टर्म कैसे बढ़ा रहा है बॉक्स में वो आपको अब समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है, दो चार बार आपने से बना के देखिएगा तो मीन टर्म कैसे बढ़ा रहा है वो समझ में आ जाएगा। यहां देखिए ये तो दो वेरिएबल का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 01 2 3 इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल भर जाएगा, ओके और दो वेरिएबल का मैप जल्दी कहीं नहीं आता, ओके लेकिन दो वेरिएबल का अगर कहीं आ जाए तो कैसे बनाना है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो दो वेरिएबल कैसा बनेगा, तीन वेरिएबल कैसा बनेगा, चार वेरिएबल कैसा बनेगा के मैप, तो अभी मैंने समझाया सिर्फ कि के मैप में कैसे सेल डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ सेल कि किसमें कितना सेल होगा, दूसरा चीज कि कैसे उसका नंबरिंग करेंगे, कैसे किस नंबरिंग का मतलब कैसे ऊपर में जो बॉक्स के यानी सेल के ऊपर में जो ये कोडिंग दिया हुआ ग्रे कोड में ये कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो मीन टर्म भराता है इसके बीच में ये मीन टर्म कैसे भराता है, ये तीनों चीज मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया अभी। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफिकेशन,
सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिकल फंक्शन बाय यूजिंग के मैप। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं के मैप को, मतलब अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे मीन टर्म फिल करेंगे, कैसे उसको पेयरिंग करते हैं और कैसे पेयरिंग बनाने के बाद कैसे उसका आउटपुट लिखते हैं। तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वंस और जीरोस इन द एडजेसेंट सेल ऑफ के मैप इज कॉल्ड लूपिंग। कह रहा है लूपिंग क्या होता है, लूपिंग एक मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं के मैप को। तो लूपिंग मेथड क्या है, लूपिंग मेथड में कह रहा है कि क्या करें वंस या जीरो के पेयर को बनाते हैं हम लोग, मतलब वन वन वाले को एक साथ पेयर करते हैं, जीरो जीरो वाले को एक साथ पेयर करते हैं। अगर वन वाले को पेयर कर रहे हैं तो वो कहलाता है मीन टर्म या सॉप फॉर्म, और जीरो वाले का अगर पेयरिंग करेंगे तो वो कहलाएगा मैक्स टर्म या फिर पॉस फॉर्म। तो अभी हम लोग पहले मीन टर्म का हमेशा बात करेंगे, लास्ट में हम लोग पॉस का भी देखेंगे, ठीक है, जीरो वाले का। तो पहले मीन का चलते हैं। तो ग्रुप कितने तरह का हो सकता है, ग्रुप देखिए मेनली क्या हो सकता है, दो का हो सकता है, चार का हो सकता है, आठ का हो सकता है, सोलह का हो सकता है, बत्तीस का हो सकता है, सो ऑन। ऐसा हमेशा इवन फॉर्म में टू टू द पावर एन के फॉर्म में पेयरिंग होगा, टू टू द पावर वन, टू टू द पावर टू, टू टू द पावर थ्री, टू द पावर फोर, सो ऑन। ओके, तो हम लोग मैक्सिमम सोलह पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हम लोग चार वेरिएबल से ज्यादा नहीं जाएंगे, तो मैक्सिमम सोलह। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय फोल्डिंग के मैप ओवर इट्स एज द नंबर ऑफ वंस और जीरोस ओवरलैपिंग फ्रॉम द ग्रुप। कह रहा है कि के मैप को हम उसके एज के अकॉर्डिंग, एज मतलब क्या होता है, कॉर्नर से फोल्ड करना। देखिए ये इसका एज हो गया, अगर ऊपर बात करें तो ये इसका एज हो गया, ये इसका एज हो गया, ये एज हो गया, ये एज हो गया, ठीक है, ये वाला। तो इसको अगर ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे उठा के मान लीजिए इसको हम ऐसे करके ऐसे फोल्ड करते ना, ऐसे करके पूरा ऐसे मोड़ देना, ठीक है। तो वैसे ही जब हम लोग के मैप को यहां से उठा के इस पे फोल्ड करेंगे तो जो जो उसमें मतलब एक दूसरे पे क्या होगा, ओवरलैप होगा, जो जो सेल एक दूसरे पे ओवरलैप होगा उस सेल का हम लोग पेयरिंग करते हैं। जैसे अगर आप इसको फोल्ड किया तो कौन कौन होगा, ये दोनों आपस में ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों पेयर में आ जाएगा, ये दोनों होगा, ये भी आ जाएगा। अगर पूरा ये बात करें चार का अगर रहता है, चार का पेयर, तो चारों का ओवरलैप हो जाता, ये वाला सेल इससे ओवरलैप कर जाएगा, तो ये दोनों आपस में पेयरिंग में आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ओवरलैप कौन कौन हो रहा है उसके हिसाब से, जहां जहां मीन टर्म है उसको देखेंगे किसके साथ पेयर बन सकता है। तो पहले हम लोग देखते हैं दो का पेयर कैसा होगा, ठीक है। तो दो का पेयर क्या है, देखिए यहां हम लोग देखें कि ये एक तीन वेरिएबल का के मैप दिया हुआ है और जिसमें दो सेल में वन वन दिया हुआ, बाकी सब सेल जीरो है, दो सेल में वन वन दिया हुआ बाकी सब सेल जीरो है। तो हमको अभी क्या करना है, सॉप फॉर्म में लिखना है, तो मीन टर्म को देखना है। मीन टर्म क्या होता है, जहां जहां वन वन हो, तो वन वन यही दो है, तो हम इन दोनों का पेयरिंग बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये दो का पेयरिंग हो गया, ठीक है, ये दो का पेयरिंग हो गया। आउटपुट कैसे लिखाएगा ध्यान से देखिएगा, बारी बारी से आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट समझना बहुत जरूरी है। पेयरिंग तो कोई भी लोग कर लेता है लेकिन आउटपुट लिखने में गलती कर देता है। तो आउटपुट कैसे लिखाएगा, तो पहले ये वाला मीन टर्म फर्स्ट ये है, इस मीन टर्म को क्या लिखेंगे, देखिए इसके सामने ये है ए, इसके सामने क्या ए बार है, ये है ए बार। तो हमेशा देखेंगे एक हॉरिजेंटल में देखेंगे, एक वर्टिकल में देखेंगे, ओके। हॉरिजेंटल में कौन सा टर्म है, वर्टिकल में कौन सा टर्म है, ये देखना है। तो हॉरिजेंटल में क्या ए बार है और वर्टिकल में क्या है, बी बार सी है। तो मिला के क्या हो जाएगा, ये वाले इस मीन टर्म के लिए हो जाएगा ए बार बी बार सी हो जाएगा। तो यहां लिख दिया ए बार बी बार सी, ओके, पहला वाला इस मीन टर्म के लिए। अगला मीन टर्म ये है, इसके लिए क्या लिखेंगे इसी तरह से, तो इसके सामने ए बार, ओके, और इसके ऊपर में क्या है बीसी, तो ए बार बीसी यहां लिख दिया ए बार बीसी, ठीक है, ए बार बीसी। और पहला वाला क्या था, ए बार बी बार सी, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें लिखने में, फिर से देख लीजिए, वन है पहला मीन टर्म, इसको कैसे लिखेंगे, इसके सामने ए बार है, ए बार लिख देंगे, इसके ऊपर में बी बार सी है, तो ए बार सी हो जाएगा ये। दूसरा ये है, इसके सामने वाला देखेंगे ए बार है, ऊपर में क्या है बीसी है, तो लिख देंगे ए बार बीसी, लिखा गया। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों का ही ना पेयरिंग है, तो इन दोनों का पेयरिंग का मतलब इसका टर्म प्लस इसका टर्म, इन दोनों को ऐड करके इस फॉर्म में हमको लिखना है। अब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, तो आउटपुट हम लोग कैसे देखते हैं, इन दोनों को ध्यान से देखते हैं कि कौन वेरिएबल इसमें चेंज कर रहा है, कौन वेरिएबल चेंज नहीं कर रहा है। अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है मतलब कि कॉम्प्लीमेंट है, बिना कॉम्प्लीमेंट वाला, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ए ए बार जीरो होता है, बी बी बार जीरो होता है, सी सी बार जीरो होता है, तो मतलब एक बार अगर वो वेरिएबल चेंज हो रहा है और दूसरी बार चेंज नहीं हो रहा, जैसे मैं पहले देखता हूं यहाँ पे ए बार यहां भी है, यहां भी ए बार, ये चेंज नहीं कर रहा है, यहां भी ए बार है, यहां भी ए बार है, तो ए बार को लिखेंगे, जो चेंज नहीं करेगा उसको लिखेंगे और जो चेंज करेगा उसको डिलीट कर देंगे यानी हटा देंगे, ओके। बी बार यहां है, यहां बी है, देखिए ध्यान से देखिए क्या है, यहां बी बार है, यहां बी है, तो ये चेंज कर रहा ना, एक बार बी बार है, एक जगह बी है, तो ये हट जाएगा, बी हट जाएगा, यानी इस बी को, इन दोनों बी को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या लिखा, ए बार पहला लिखा गया, बी हट गया। अब सी को देखेंगे, यहां भी सी है, दोनों जगह सी है, यानी चेंज नहीं कर रहा, इसलिए सी लिखेंगे, तो आंसर क्या हो गया, ए बार सी, ओके। तो इस पेयरिंग का आंसर क्या हो गया, ए बार सी। इजी वे में समझ में आया होगा आई होप, कैसे लिख रहे हैं, नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे इसको कि इन दोनों में कौन कौन वेरिएबल चेंज कर रहा, तो ए बार यहां भी है, ए बार यहां भी, चेंज नहीं कर रहा इसलिए लिखा जाएगा, जो चेंज नहीं करेगा वो लिखा जाएगा नीचे। बी बार है, यहां बी है, चेंज कर रहा नहीं लिखाएगा, सी यहां है, यहां भी सी है, इसलिए सी लिखा जाएगा, तो ए बार सी आंसर। नेक्स्ट देखिए,
इस तरह का ये क्या था, हॉरिजॉन्टल पेयरिंग था। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ वन 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 हो, यहाँ और यहाँ वन वन हो ऊपर ऊपर, तो ये दोनों भी पेयरिंग में आएगा। ओके, तो ये जब पेयरिंग में आएगा तो ये पेयरिंग कैसे लिखाएगा, तो पहला वाला ये मिनटर्म, दूसरा वाला ये मिनटर्म। तो पहला वाला मिनटर्म कैसे लिखा, इसके सामने ए बार, इसके ऊपर में बी सी बार है, ए बार बी सी बार, तो लिखाया ए बार बी सी बार लिखा गया। दूसरा देखेंगे ए बी सी बार, ए बी सी बार लिखा गया, ए बी सी बार, तो इन दोनों को फिर से करेंगे वैसे ही, ए बार ए चेंज कर रहा है, बी बी क्या हो रहा है चेंज नहीं कर रहा है, सी बार सी बार, सी बार चेंज नहीं कर रहा, चेंज कौन कर रहा है, ए बार चेंज कर रहा है, यहां ए बार है यहां ए है, तो ए को हटा देंगे, ए वाले टर्म को हटा देंगे दोनों जगह से, बी बी चेंज नहीं कर रहा तो बी लिख दिया, सी बार दोनों चेंज नहीं कर रहा सी बार लिख दिया। तो यहां समझ में आ रहा है कैसे लिखाया, इसका आउटपुट हो जाएगा बी सी बार, यानी इन दोनों का पेयरिंग का आउटपुट हो जाएगा बी सी बार। ओके, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ये जो टर्म है समझाने के लिए आप लोगों को लिखना है, डायरेक्ट आपको आउटपुट ये लिखना है क्वेश्चन में, डायरेक्ट ये लिखना आउटपुट ये वाला, लेकिन ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाद में मैं इसको स्किप करूंगा। ओके, अभी बेसिक से जा रहा हूं, जीरो लेवल से, इसीलिए ये लिख रहा हूं ये चीज। देखिए फोर वेरिएबल में देखते हैं, यहां दो दो, दो यहां वन वन है और यहां वन वन है, तो ये पेयरिंग, एक तो पेयरिंग ये सिंपल पेयरिंग हो जाएगा, ये वन है ये वन है, तो इन दोनों का पेयरिंग होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोल भी रहे नहीं होगा, क्यों, ये दोनों का पेयरिंग सिंपल वे में नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता पेयरिंग। तो अब क्या है, मैंने बताया था फोल्ड करने पे भी अगर आता है एक दूसरे पे ओवरलैप करता है तो हम उसको पेयरिंग करेंगे, ये फोल्ड करेंगे जब इसको हम ऐसे उठा के ऐसे फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, तो ये वाला सेक्शन ई वाले सेल से मिल जाएगा, जाके ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे पे, तो ये दोनों यानी ओवरलैप कर रहा है तो ये दोनों पेयर होगा। कैसे होगा, यहां से इसको ले लेंगे ऐसे करके और यहां से इसको, यानी ये और ये पेयरिंग में आएगा। तो इसका आउटपुट कैसे लिखेंगे, ये आउटपुट तो आप आसानी से लिख सकेंगे यहां देख के, तो देखिए कैसे लिखा हुआ है, इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, इसके सामने ए बार बी, इसके ऊपर सी बार डी, तो ए बार बी सी बार डी लिखा गया, ए बार बी सी बार डी लिखा गया, इसको लिखेंगे ए बार बी सी डी, ए बार बी सी डी लिखा गया। अब इन दोनों में देखेंगे कौन चेंज कर रहा है कौन नहीं, तो देखेंगे ए बार चेंज नहीं कर रहा है, दोनों जगह ए बार है, बी दोनों जगह बी है लिखाएगा, सी नहीं, एक जगह सी है एक जगह सी बार है, इसलिए चेंज कर रहा है, सी को क्या करेंगे यहां से हटा देंगे, ये सी नहीं लिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये चेंज कर रहा है। डी क्या हो जाएगा, डी दोनों जगह डी लिखाएगा, तो यानी लिखाएगा कौन कौन, ए बार बी डी, यही तीनों चेंज नहीं कर रहा, सी चेंज कर रहा, सी हट जाएगा। यहां देखिए इन दोनों को ये क्या लिखाएगा, ए बी बार सी बार डी बार लिखाएगा, ए बी बार सी बार डी बार लिखा गया, ये नहीं है बार नहीं है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है गलती से लिखाया था वन, तो यहां क्या आ जाएगा, ये ए बी बार सी डी बार लिखाएगा, ए बी बार सी डी बार लिखाएगा, लिखाएगा देखिए यहां भी ये है यहां भी ये है, ये बार नहीं है क्योंकि ऊपर बोला गलती से, ये दोनों ए ए है तो ए लिखाएगा, बी बार यहां है बी बार यहां बी बार भी लिखाएगा, सी बार यहां यहां सी है, देखिए ये दोनों क्या सी, फिर से यहां देखिए ये दोनों में जो क्या है सी चेंज कर रहा है, सी चेंज कर रहा है, इसलिए क्या होगा सी नहीं लिखाएगा, जो चेंज करता है वो नहीं लिखाता है, बचा क्या डी बार तो डी बार लिखाएगा, यानी आंसर क्या होगा ए बी बार डी बार, किसका पेयरिंग का आंसर होगा, ये इन दोनों का पेयरिंग का आंसर है ये वाला, और इसके पेयरिंग का ये आंसर है, जब आप फाइनल आउटपुट लिखिएगा अगर ऐसा पेयरिंग करके तो ये लिखिएगा प्लस ये लिखिएगा, यही आंसर होगा सॉफ्ट फॉर्म में। ओके, इतना इजी वे में समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग फोर का पेयरिंग देख लें, अभी तक हम लोग देखा कि टू का पेयरिंग कैसे होता है, ठीक है फोर का पेयरिंग देख लें एक, फिर एक एट का पेयरिंग देख लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी। तो देखिए फोर का पेयरिंग क्या है, ये सिंपली तीन वेरिएबल का है, वन 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 चार यहां पे है, तो इसका एक साथ चार का पेयरिंग हो सकता है ना, पॉसिबल है एक साथ चार का पेयरिंग कर लेंगे। यहां क्या है, हर एक वेरिएबल को लिखेंगे बारी बारी, तो ए बार इसके लिए लिख रहे हैं पहला वाले के लिए ए बार बी बार सी बार, दूसरे के लिए लिखेंगे ए बार बी बार सी, तीसरे के लिए लिखेंगे ए बार बी सी, चौथे के लिए लिखेंगे ए बार बी सी बार, लिखा लिख दिया। अब देखेंगे कौन कौन चेंज कर रहा है कौन नहीं चेंज कर रहा, देखिए ए देखिए ए बार ए बार ए बार ए बार नहीं चेंज कर रहा है, इसलिए लिखाएगा हर जगह वही है, बी बार बी बदल गया तो बी नहीं लिखाएगा, सी बार सी बदल गया सी नहीं लिखाएगा। ओके, सिर्फ क्या लिखाएगा ए बार आंसर होगा, इस पेयरिंग का आंसर होगा ए बार। ओके, उसी तरह से चार का ऐसा पेयरिंग हो सकता है, चार का ऐसा पेयरिंग हो सकता है, चार का ऐसा भी पेयरिंग हो सकता है, तीनों तरह का हो सकता है, जितने तरह का पॉसिबल है लगभग मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिए चार का अगर ऐसा पेयरिंग कर रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या है, फिर से वही देखेंगे, ये चारों एक साथ हो गया चार का पेयरिंग, दो मिन टर्म यहां है दो मिन टर्म यहां है, तो ये दो का भी हो सकता है पेयरिंग, ऐसे दो का है ऐसे दो का अलग अलग, ये दो का अलग पेयरिंग ये दो का अलग पेयरिंग, लेकिन ये क्या है एक दूसरे पे फोल्ड होगा, फोल्ड होगा ना, तो ये वाला सेल ये दोनों सेल इस दोनों सेल पे ओवरलैप कर जाएगा, तो मैंने कहा जो एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा उसको हम काउंट क्या करेंगे पेयरिंग में लेंगे, तो ये पूरा दो इसके साथ दो मिलके चार का पेयरिंग बनाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो आप लोग लिख लीजिए आराम से ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बता रहा हूं इसमें क्या है कि कैसे पेयरिंग मतलब फोल्ड किया, तो ये दोनों सेल इस दोनों सेल से मिल गया तो चार का पेयरिंग, दो यहां
दो या चार का पेयरिंग हो गया। तो देखिए इस टर्म को फिर से लिखेंगे, ए बी सी बार डी बार लिखाएगा, ये वाला टर्म क्या लिखाएगा, ए बी बार सी बार डी बार लिखाएगा, वैसे यहां उतारते हैं बारी बारी से, ये वाला क्या लिखाएगा ऊपर वाला, ए बी सी डी बार लिखाएगा, ए बी सी डी बार, ये क्या लिखाएगा, ए बी बार सी डी बार, ए बी बार सी डी बार लिखा गया। अब चेंज करेंगे, देखेंगे कौन कौन चेंज कर रहा है, ए ए ए ए चेंज नहीं कर रहा, लिखा गया है, बी बी बार चेंज कर रहा है, नहीं लिखाएगा, सी बार सी चेंज कर गया, सी बार से सी हो गया, चेंज हो गया, नहीं लिखाएगा, डी बार डी बार डी बार डी बार चारों में वही सेम है, चेंज नहीं हुआ, डी बार लिखाएगा। ओके आई होप ये समझ में आ रहा होगा कैसे पेयरिंग करते हैं और कैसे आउटपुट लिखते हैं, एकदम सिंपल वे में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें चार का पेयरिंग, ये भी हो रहा है, देखिए ये क्या है, अब ये चारों कैसे पेयरिंग हो सकता है चार का, तो देखिए कह रहे हैं फोल्ड कीजिए, क्या मैं आपको मैंने कहा ऐसे उठा के ऐसे फोल्ड कीजिए इसके ऊपर, तो एक फोल्ड ऐसे हो गया, अब फिर जब ऊपर से उठा के नीचे की तरफ फोल्ड कीजिएगा तो ये चारों कोना आपस में आके ओवरलैप कर जाएगा, चारों होगा ओवरलैप, कागज लीजिएगा एक चौड़ा सा ऐसे ही और उसको फोल्ड करके देखिएगा ये चारों कोना एक दूसरे पे आके मिलता है कि नहीं मिलता है, तो एक जगह आके मिल जाएगा, तो ये चारों क्या हो जाएगा पेयरिंग में आएगा। तो इस टर्म को क्या लिखेंगे, ए बार बी बार सी बार डी बार, वैसे ही इसको लिखेंगे ए बार बी बार सी डी बार, लिखेंगे सेम आउटपुट लिखेंगे, देखेंगे चेंज नहीं कर रहा उसको आउटपुट लिख देंगे, ठीक है इजी वे में। एट का देखते हैं लास्ट, एट का एक नॉर्मल पेयरिंग ये हो सकता है, ठीक है नॉर्मल पेयरिंग, इसमें क्या लिखेंगे कौन कौन टर्म, हर एक टर्म को वैसे ही लिखेंगे, ए बार बी बार इसके सामने क्या है सी बार डी बार, तो लिखेंगे ए बार बी बार सॉरी ए बार बी सी बार डी बार, लिखा गया वैसे ही इसको लिखेंगे ए बार बी सी बार डी, ए बार बी सी डी बार डी, सबको बारी बारी से वैसे ही लिखेंगे, आठ बन जाएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ है तो आठ टर्म आएगा। अब देखेंगे कौन चेंज कर रहा है, देखिए ए बार ए बार ए बार ए बार ए हो गया तो ए नहीं लिखाएगा, बी बी जो सब ऐसा टर्म जो कहीं पर जाकर चेंज ना कर रहा हो बस वही लिखाता है, और जो टर्म चेंज कर जा रहा है किसी भी मीन टर्म में जाके वो नहीं लिखाता है, जो वेरिएबल चेंज कर जा रहा है वो कभी नहीं लिखाएगा, जो वेरिएबल कहीं पे भी जाके चेंज किसी भी मीन टर्म में वो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा वही लिखाता है सिर्फ। देखिए बी 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 आठों में बी जो है चेंज नहीं किया, सब जगह बी ही है तो बी लिखाएगा। सी को देखेंगे सी बार सी चेंज कर गया, डी बार डी चेंज कर गया, ठीक है तो ये सब नहीं लिखाएगा, ए बार ए सी डी नहीं लिखाया, सिर्फ आंसर क्या हुआ बी। ओके तो ये इस तरह से देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बहुत जरूरी बात करेंगे इसके ऊपर कि कैसे ये वेरिएबल घट बढ़ रहा है, इसके बारे में एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अभी फिलहाल पेयरिंग सिर्फ देखेंगे, ये पेयरिंग देखते हैं लास्ट पेयरिंग। ओके मीन टर्म का ये सारा पेयरिंग देख लिया हम लोग, स्वैप फॉर्म का पेयरिंग देख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पॉज का पेयरिंग पढ़ेंगे और उसके बाद एक कुछ एग्जांपल देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे के मैप के ऊपर। देखिए ये आठ का पेयरिंग कैसे बन रहा है, चार यहां मीन टर्म है चार यहां मीन टर्म है, तो हम जब इसको ऐसा करके फोल्ड करेंगे इस के मैप को ऐसे उठा के यहां फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला सेल पूरे इससे ओवरलैप करेगा, ये पूरा सेल इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो जब ओवरलैप कर जाएगा ये तो यहां क्या देखेंगे, तो हम बारी बारी से टर्म लिखेंगे इन दोनों का, तो इसको इस टर्म को क्या लिखेंगे वैसे ही लिखेगा, ए बार बी बार सी बार डी बार जैसे यहां लिखा है वैसे ही यहां सारे टर्म को लिखेगा, चारों का यहां भी लिखेगा, जब ऐसा लिखा जाएगा आठों का तो देखिएगा क्या चेंज कर रहा है क्या नहीं चेंज कर रहा, तो सिर्फ आंसर आएगा बी बार, इसको अपने से करके देखना। ओके इसको खुद से ऐसे ही लिखना है जैसे इसमें लिखा हुआ है और देखेंगे कि कौन चेंज कर रहा, तो देखिएगा बी बार जो है आठों टर्म में बी बार ही होगा, जैसे यहां था ना कि आठों मीन टर्म में बी आ रहा था वैसे ही यहां आठों मीन टर्म में आपको बी बार आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करके रखिएगा ये कैसे पेयरिंग होता है, आगे लेक्चर में मैं बताऊंगा कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा और पॉज फॉर्म का पहले पेयरिंग समझाऊंगा, देन आफ्टर के मैप के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो गेट का पूछा हुआ होगा, आपके प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ हो सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।